बात और बताइए, ये बार बार किसान ये जो आंदोलन होता है ये पंजाब के ही किसान क्यों करते हैं? बिहार में किसान नहीं है, झारखंड में किसान नहीं है, पूर्वांचल में किसान नहीं है, उड़ीसा में किसान नहीं है, बंगाल में किसान नहीं है, कर्नाटक में किसान नहीं है, ये किसी पर सिर्फ पंजाब वाले ही क्यों करते हैं? और जब जब चुनाव होता है तब तब ही क्यों करते हैं? चुनाव से आखिर क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? और जो किसान आंदोलन के चेहरा थे, नेता थे, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, ये सारे के सारे क्यों राहुल गांधी के करीबी नजर आते हैं? क्यों उनकी भारत जोड़ो यात्रा में झंडा उठाए घूमते हैं? तो कारण है, अब आप कहते हैं मांगे इनकी, इनकी मांग है लखीमपुर खीरी में जो कुछ घटना हुआ उसके दोषियों को सजा दी जाए। मैं भी कहता हूँ कि दोषी जो भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो क्या ये किसान आंदोलन जीवी बताएंगे? एक बंगाल से एक महिला आई थी किसान आंदोलन में आंदोलन करने के लिए, उसके साथ रेप किया गया किसान आंदोलन में, क्या उस रेपिस्ट को भी सजा मिलनी चाहिए? ये भी मांग डालो उसमें। सिर्फ लखीमपुर खीरी क्यों भाई? सिंघू बॉर्डर पे हुआ, अटारी बॉर्डर पे हुआ, और 26 जनवरी को भारत की अस्मिता पर, लाल किले पर झंडा के जहां तिरंगा लगा होना चाहिए वहां पर खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया, उस पर भी यह होना चाहिए, उस पर भी एक्शन हो और जो दोषी है उसको जेल में डालो, ये भी क्लॉज में डालो। सिर्फ ये क्यों सेलेक्टिव कि सिर्फ लखीमपुरी क्यों? अरे वर्षों तक हमने देखा दंगा मतलब गुजरात, वही वाली कहानी। तुमने आतंक मचाया था 26 जनवरी को, वो दिल्ली पुलिस का जवान जिसके बाप किसान है, किसानों के बच्चे ज़्यादातर दिल्ली पुलिस में है, उस दिल्ली पुलिस को उठा करके जवानों को लाल किले की खाई में फेंक रहे थे, तुम पर केस दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका जवाब दे दो। उसके बाद इनके दूसरी मांग देखो, कितना देश विरोधी मांग है, मैं कहता हूँ कितना खतरनाक मंसूबा है इनका, समझो। ये कह रहे हैं WTO से अलग हो जाओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाओ। ठीक है, भारत में किसान कृषि का, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है? केवल 15%, और एक राज्य केवल पंजाब कर रहा है, हालांकि 15 से कम है, लेकिन एक राज्य पंजाब के किसान आंदोलन जीवी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो हिस्सेदारी अर्थ जगत में भारत की अर्थव्यवस्था में कितना होगा? 0.5%। 0.5% वाले कहते हैं हम तुम्हारी सड़क जाम कर देंगे, हम आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को उनके काला दाग लगाएंगे, रेप करेंगे, हत्या करेंगे, जो मर्जी आगा करेंगे, कोरोना काल में ऑक्सीजन तुमको दिल्ली वालों को लेने नहीं देंगे, लेकिन हमारी बात मांगो। और क्या 80% जो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था यहाँ का जो पैसा है, पूरा भारत की पूंजी है, चलो WTO से मान लो विदेश का, तो 50% अर्थव्यवस्था को ये 0.5% वाले, आधा पैसा वाले कह रहे हैं 50 रुपया को खत्म कर दो, खत्म कर दो। तो ये बताओ, रोटावेटर कृषि का एक उपक्रम है, कल्टीवेटर सिंचाई के उपकरण, ये जितने उपकरण है ये विदेश से नहीं आने चाहिए, या तो महंगे या नहीं आने चाहिए। तो जो पंजाब की स्थिति है, ये क्या पूरे देश को बंजर बनाना चाहते हैं? क्या पूरे देश में क्योस कराना चाहते हैं? जब से पंजाब में किसान आंदोलन शुरू हुआ, रिलायंस के सारे स्टोर बंद हो गए, एक भी स्टोर उस समय नहीं चल रहा था, रिलायंस के टावर तोड़ दिए गए, लाखों युवा बेरोजगार हुए पंजाब के, वो बेरोजगार होकर पत्थलबाज बनेंगे। तो क्या कश्मीर बनाना चाहते हैं ये पंजाब को? क्योंकि जब रिलायंस के स्टोर पे जितने काम करते हैं आप, चले रिलायंस ट्रेंड था बंद हो गया, रिलायंस मोबाइल का इंडस्ट्री बंद हो गया पंजाब में, और उसके बाद लाखों युवा बेरोजगार हो गए, वो बेरोजगार युवा क्या करेगा? आतंकवादी बनेगा क्या? 80 के दशक का जो पंजाब था ये वो बनाना चाहते हैं ये आंदोलन जीवी? और दूसरी इसकी मांग है कि बिजली बिल हमारा माफ़ कर दो। बिजली बिल कितना है? 50,000 का। मैं भैया, मुझे समझ में नहीं आता वो ट्यूबवेल से 50,000 का बिजली बिल आता कैसे? किसान को क्या चलाना है? जनरेटर ही तो चलाना है, वो पानी के लिए ही तो चलाना है या लाइट के लिए चलाना है? LED लाइट्स लगे रहते हैं, कितना बिजली बिल आता है कि आपका 50,000 आ जाता है बिजली बिल? आप अपने किसानी के नाम पर बिजली कनेक्शन लेके घर के 50-50, 10-10 AC चलाते हैं। पंजाब में जाके देखिए, बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग है बना करके, कनाडा का पैसा है और इन लोगों के पास बड़ा पैसा है, उस पर ये बिजली बिल 50,000 इनका आता है, ये कहते हैं माफ़ कर दो। तो पंजाब का बिजली, दिल्ली का बिजली दिल्ली सरकार, बिहार का बिजली बिहार सरकार, पंजाब सरकार से ये लोगों ने क्यों नहीं माफ़ी करा लिया? पंजाब की अरविंद केजरीवाल सरकार, जो पंजाब की भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार, वो तो पंजाब के किसानों को बोली जाओ हरियाणा जाओ दिल्ली जाओ, मज़ा आ रहा है, 2024 में मोदी को नहीं हरा पाएंगे तो ऐसे हम करेंगे।
तो आंदोलन क्रिएट कराएंगे ताकि कल कुछ डंडा चल जाए, कुछ हो जाए तो कहेंगे मोदी तानाशाह है। तो ये लोग पंजाब की सरकार कोई बोलता है 300 बिजली माफ, 400 बिजली माफ, कह दे कि सारी बिजली माफ हो जाएगी पंजाब के, जो भी किसान है उसको बिजली माफ कर दे। ये पंजाब सरकार से कोई नहीं मांग कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब सरकार से इसलिए नहीं मांग कर रहे हैं क्योंकि पैसा फंड वहीं से आना है और उसी को जिताना है और लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाए, इसलिए ये किसान आंदोलन में ये हंगामा किया जा रहा है।